बहराइच में बवाल के बाद सीएम योगी का कड़ा एक्शन जारी है। सीएम योगी ने साफ कह दिया है कि माहौल बिगाड़ने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। बहराइच में ड्रोन से इलाके में निगरानी रखी जा रही है। महसी इलाके में इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है। बहराइच में उपद्रव के बाद एक्शन भी लगातार देखने को मिला। रैपिड रिस्पांस फोर्स ने मोर्चा संभाला हुआ है। मेरठ से 6 बटालियन RRF मौके पर मौजूद है। वहीं पर ADG लॉ एंड ऑर्डर और गृह सचिव भी मौजूद है। हत्या के मुख्य आरोपी की तलाश की जा रही है। कल हुई हिंसा और हत्या के मामले में 40 लोगों को हिरासत में लिया गया। आज तोड़फोड़ आगजनी के मामले में 30 लोगों को हिरासत में लिया गया है। तो वहीं बहराइच में हुए बवाल पर विपक्ष ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी सरकार पर निशाना साध दिया है। बहराइच की मासी में मूर्ति विसर्जन के दौरान बवाल और फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत हो गई, लेकिन इसे लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख दिखाया है। उन्होंने कहा है कि बवालियों को किसी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। सुरक्षा की गारंटी सभी को है, लेकिन दंगाइयों और जिनकी लापरवाही के कारण घटना हुई उनकी पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। बहराइच में कल मूर्ति विसर्जन के दौरान दो समुदायों के बीच सांप्रदायिक तनाव और हिंसा की घटना हुई। प्रतिमा विसर्जन के जुलूस पर जमकर पत्थरबाजी की गई, जिसके बाद गुस्साई भीड़ ने हंगामा मचा दिया। घटना के दौरान फायरिंग होने की बात भी सामने आई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। मौके पर पुलिस ने हालात को काबू करने के लिए लाठीचार्ज किया, लेकिन आगजनी और हिंसा की वजह से माहौल और गर्मा गया। SP और कांग्रेस अब बहराइच में बवाल पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। ये मंत्रियों का शगल बन गया है। इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई? मंत्रियों की पहचान पहले से क्यों नहीं थी? यदि आशंका थी तो सरकार ने उसको लेकर प्रबंध क्यों नहीं किए? कभी उत्तर प्रदेश के लोग जाकर मुंबई में हत्या करते हैं? देश दंगों की एक झड़ी सी लगी हुई है। अब बहराइच में कल जो घटना हुई है उसमें पूरा जो रामनवमी का जो पर्व था, जिसमें हम मंच पे देख रहे थे कि रामलीलाओं में हिंदू मुसलमान पात एक साथ किसी न किसी कैरेक्टर में सामने आ रहे थे। कोई रावण बने हुए थे, कोई राम जी बने हुए थे, कोई लक्ष्मण जी बने हुए थे, और बहुत हर्ष उल्लास से इसका सेलिब्रेशन हो रहा था। लेकिन विसर्जन के दिन जो कुछ हुआ बहराइच में, पूर्ण तरीके से शासन प्रशासन का फेलियर है। वहीं बीजेपी नेताओं ने बहराइच में हुई घटना की निंदा करते हुए कहा है कि दंगाइयों के खिलाफ सरकार सख्त एक्शन लेगी। सरकार ने गंभीरता से लेते हुए इस पर कड़ा एक्शन लिया है और सरकार पूरी जांच करा रही है। जो भी इसके पीछे दोषी हैं, जो इस घटना के पीछे हैं लोग, उन सबके खिलाफ सरकार कठोरतम कार्रवाई करेगी। और मेरा सभी पक्षों से निवेदन है कि शांति बनाए रखें और सरकार पूरी तत्परता के साथ सक्रिय है और जो दोषी हैं, जो अपराधी हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। सुशासन के मामले में हमारी सरकार सबसे अच्छी सरकार मानी जाती है पूरे प्रदेश और देश में, तो निश्चित ही उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन जो जिस तरीके से बातें कर रहे हैं समाजवादी के लोग, थोड़ा ये भी देख लें कि जो उनके मुखिया हैं अखिलेश यादव जी, वो आज INDA का हिस्सा हैं। उनके सहयोगी दलों की जिन राज्यों में सरकार है, चाहे झारखंड है, चाहे कर्नाटक है, निरंतर उन राज्यों में सरकार होती है, उन सरकार में इतनी घटना उन सरकारों में हो रही है। तो SP सांसद अवधेश प्रसाद ने बहराइच की घटना पर दुख जताया है, साथ ही लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने पुलिस के कामकाज के तरीके पर भी सवाल खड़े किए हैं। वहीं योगी सरकार और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का कहना है कि उपद्रवियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जहां तक ये कि पुलिस का अगर पहले से ठीक से इंतजाम किया होता या उस पर ध्यान दिया होता तो घटना न घटती। ये सारे विषय तो बात के हैं, जांच के विषय हैं। कौन देखिए, मैं मुख्यमंत्री से धन्यवाद दूंगा कि घटनाएं हैं उस सीधे संज्ञान में लेकर उस पर जितने भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और मैं इस घटना की निंदा करता हूँ। बहराइच में कल हुई हिंसा के बाद आज भी तनाव की स्थिति बनी हुई है। आज भी गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा किया और आगजनी की, तोड़फोड़ और लूटपाट की। पहले परिजनों ने मृतक का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया था, लेकिन जिला प्रशासन और BJP विधायक के समझाने पर युवक का अंतिम संस्कार किया गया। पुलिस ने इस हत्याकांड में 6 नामजद और 2 से ज्यादा अज्ञात के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।
और बहराइच बवाल को लेकर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने सवाल उठाए हैं। इमरान मसूद का कहना है कि यूपी में कानून व्यवस्था ठप हो गई है। वही यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय का कहना है कि लखनऊ हो या फिर बनारस, कन्नौज हो या फिर बहराइच, सभी जगहों पर बीजेपी दंगे करवा रही है। आज मार्केट जलाया गया, अस्पताल जलाया गया, शोरूम जलाया गया, तो ये खुलेआम दंगा नहीं हो रहा तो और क्या हो रहा है? कानून व्यवस्था की धज्जी उड़ तो रही है पूरी। अभी बहराइच के अंदर दंगा करा रहे हैं, तो ये पूरी तरीके से भाजपा के लोग उसमें शामिल हैं और भाजपा के जनरल राज कायम है सरकार। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए सवाल उठाए, बहराइच की घटना को लेकर सवाल खड़े किए। अखिलेश यादव ने अपने पोस्ट में लिखा, चुनाव का आना और सांप्रदायिक माहौल का बिगड़ जाना ये इत्तेफाक नहीं है, जनता सब समझ रही है। हार के डर से हिंसा का सहारा लेना किसकी पुरानी रणनीति है, सब जानते हैं ये उपचुनाव की दस्तक है। साथ ही अखिलेश ने अपने पोस्ट में लिखा, दिखावटी कानून व्यवस्था की जगह अगर सरकार सच में पुख्ता इंतजाम करे तो सब सही हो जाएगा, लेकिन ऐसा होगा तभी जब ये सरकार चाहे। तो बहराइच में हुए बवाल पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मामले की जांच की मांग की है। अखिलेश का कहना है कि सरकार न्याय करे और देखे कि सुरक्षा में चूक कहां हुई है। वहीं कन्नौज में पूर्व सांसद सुब्रत पाठक ने बहराइच की घटना को लेकर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने सबके लिए अखिलेश यादव और राहुल गांधी को दोषी बताया। सुब्रत पाठक ने कहा कि जब से समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव जीती है तब से कट्टरपंथियों के मन बढ़े हुए हैं। त्योहारों पर और खासकर हिंदुओं की निकलने वाली इस यात्राओं में इस प्रकार की स्थितियां क्यों उत्पन्न होती हैं, ये बहुत समझने का प्रयास है। और मैं स्पष्ट रूप से कि जब से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जीती है लोकसभा के चुनाव में, तब से निश्चित रूप से खासकर इस कट्टरपंथियों की पूरी तरीके से इनके मन खराब हो चुके हैं और ये मनवल हो गए हैं और ये इस प्रकार का उत्पात मचा रहे हैं। निश्चित रूप से इसके लिए दोषी कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी भी हैं और इन परिस्थितियों के लिए दोषी राहुल गांधी। जो घटना हुई है वो दुखद है और किस कारण हुई है, प्रशासन, शासन और हमारे प्रेस के साथी आप सब जानते हैं। सरकार को न्याय करना चाहिए, एक चौकी इंचार्ज या वहाँ पर मौके पे कोई और छोटा अधिकारी हट जाए उससे कानून व्यवस्था नहीं संभलेगी। जिस समय ये प्रोसेशन निकलने का काम शुरू हुआ, कम से कम प्रशासन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि जो प्रोसेशन निकल रहा है उसका रूट क्या है, रूट पे पूरी सुरक्षा है कि नहीं है, पर्याप्त पुलिस है कि नहीं है। दुर्गा पूजा विसर्जन को लेकर हंगामा सिर्फ यूपी के बहराइच में नहीं बल्कि देश के कई शहरों में देखने को मिला। ऐसी खबरें आई जहां पर विसर्जन जुलूस में पथराव किया गया। पथराव और हंगामे के बाद समुदायों के बीच हिंसा भड़क उठी। इसी पर आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। का जुलूस, पत्थरबाजों का हमला, पूरी जिम्मेदारी शासन की थी, सरकार की थी, शासन की चूक की वजह से इतनी बड़ी घटना हुई। मूर्ति विसर्जन पर बवाल, शहर शहर पत्थरबाज। पूरे देश में बीते 10-12 वर्षों में घोला गया है ना, उसकी परिणति हो रही है। उत्सव में उपद्रव, दुर्गा पूजा से कैसी नफरत। हमारा हर त्योहार ऐसे ही तनाव से गुजरेगा। दुर्गा पूजा के दौरान जिस तरह से देश के अलग अलग शहर हिंसा की आग में जल उठे, उसके बाद सवाल यही है कि आखिर वो कौन लोग हैं जिन्हें दुर्गा पूजा से नफरत है। वो कौन लोग हैं जो हर साल किसी भी त्यौहार या धार्मिक उत्सव के मौके पर निकलने वाली शोभा यात्राओं और जुलूसों पर पत्थरबाजी करते हैं, और बार बार ऐसी घटनाएं सामने आने के बावजूद पुलिस प्रशासन इन्हें रोकने के लिए तैयारी क्यों नहीं करता।
दुर्गा पूजा के दौरान देश के अलग अलग शहरों से हिंसा की हैरान करने वाली तस्वीरें आईं। कहीं उपद्रवियों ने विसर्जन जुलूस में पत्थरबाजी की, तो कहीं मूर्तियों में तोड़फोड़ की गई, कहीं लोगों की पुलिस के साथ झड़प हो गई। यूपी में बहराइच के अलावा महाराजगंज और कौशाम्बी में भी मूर्ति विसर्जन को लेकर बवाल हुआ, तो वहीं बिहार के बेगूसराय, सीतामढ़ी से लेकर झारखंड के गढ़वा, पश्चिम बंगाल के हावड़ा और हैदराबाद से भी नफरत और हिंसा की डरावनी तस्वीरें सामने आई हैं। ये तस्वीरें यूपी के कौशाम्बी की हैं, जहां मूर्ति विसर्जन के दौरान पत्थरबाजी में कई लोग घायल हुए थे। पुलिस ने इस मामले में 27 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया, लेकिन गिरफ्तार अभी तक सिर्फ 6 आरोपी हुए हैं। माता देवी जी के विसर्जन करने के लिए हिंदू समाज का लोग जा रहे थे, उस समय देवी जी की मूर्ति में थूका गया और पत्थरबाजी की गई, और उसके बावजूद 27 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें अभी 6 की गिरफ्तारी हुई है। अभी 21 लोग जो मुख्य अभियुक्त हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई है। यदि मुख्य आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया, विश्व हिंदू परिषद उस गांव में जाकर के कूच करके अपनी मांग को पूरा करने के लिए अपनी हिसाब से अपनी बदला लेने का काम करेगा। झारखंड के गढ़वा में मूर्ति विसर्जन को लेकर ऐसा बवाल हुआ कि पुलिस को हालात काबू में करना मुश्किल पड़ गया। उपद्रवियों की पत्थरबाजी में जुलूस निकाल रहे लोगों के साथ साथ कई पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। पुलिस ने लाठी चार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े, तब जाकर किसी तरह मामला शांत हुआ। ऐसी ही तस्वीरें पश्चिम बंगाल के हावड़ा से भी आईं, जहां मूर्ति विसर्जन के दौरान जुलूस पर पत्थरबाजी के बाद जमकर बवाल हुआ। सड़कों पर घंटों तक उपद्रव होता रहा और अराजकता की ऐसी तस्वीर दिखाई दी जो पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है। हैरानी की बात यह कि जिस पूजा पंडाल को लेकर पश्चिम बंगाल में कुछ उपद्रवियों ने उत्पात मचाया, वो सर्वधर्म स्वभाव की थीम पर आधारित था, लेकिन कुछ लोगों को ये बात मंजूर नहीं थी, वो विसर्जन जुलूस पर पत्थरबाजी करने लगे। हावड़ा जिला में एक दुर्गा पूजा में एक छवि को केंद्रित करके एक कम्युनिटी का विद्रोह स्टार्ट हुआ था, उसको लेके वो पुलिस स्टेशन में आए थे डेपुटेशन लेके, और डेपुटेशन में बातचीत चल रहा था, उनसे कंप्लेंट लिया गया, उसके बाद केस किया गया, अरेस्ट भी किया गया, बट उसी के बीच में कुछ उनमें से ही लोग आके पुलिस की तरफ आक्रमण किए, उसको लेके पुलिस ने रिटेलिएट किया, उसी को लेके पुलिस ने काफ़ी जगह पे अरेस्ट भी किया है। उधर हैदराबाद में कुछ अज्ञात लोगों ने दुर्गा पंडाल में तोड़फोड़ की, उपद्रवियों ने मां दुर्गा की मूर्ति को भी खंडित कर दिया, जिसको लेकर हिंदू संगठनों ने नाराजगी जताई है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों ने पंडाल में घुसने से पहले वहां की बिजली काट दी थी, इसके बाद उन्होंने वहां लगे सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ दिए, जिससे घटना के समय का कोई भी फुटेज सामने नहीं आ सका है।